कार्तिक माह में तुलसी आमला पूजन के दिनों में पूजन कर सुख की प्राप्ति के काबिल है। ऐतिहासिक प्राचीन श्री वृंदा देवी मंदिर कोट किशन चंद में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक तुलसी एवं आमला पूजन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। जानकारी देते हुए प्रधान वीरेंद्र कौशल, ब्रज आष्ठा, अशोक खिंद्रिया व पंडित वृख लाल ने बताया कि तुलसी आमला पूजन महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर की ओर से हर सुविधा प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस स्थान से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। वीरेंद्र कौशल ने बताया कि 1 नवंबर को आमला नौमी, 4 नवंबर को तुलसी विवाह उत्सव होगा, जिसमें भजन गायक अशोक शर्मा, कुमार आशु शर्मा शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक भजन गायन करेंगे। 5 नवंबर को 365 ज्योतियों का प्रकाश होगा और महोत्सव के अंतिम दिन 6 नवंबर को मंदिर स्थित सरोवर में भक्तों द्वारा दीपदान किया जाएगा। 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार श्री वृंदा देवी मंदिर जो कि एक इतिहासिक स्थल है, जिथे श्री वृंदा जी भसम होए और उन्होंने भसम तो तुलसी की उत्पत्ति हुई है। गोपाष्टमी वाले दिन इतने मेला लग रहा जो कि 7 दिन चलेगा, 31 तरीक तो लैके 6 तरीक तक, वीरवार वाले दिन तक। 4 तरीक न तुलसी विवाह होएगा, 5 तरीक न 365 ज्योतों का प्रकाश होएगा और 6 तरीक न इस समारोह का समापन होएगा, जो कि मंदिर से स्थित जो सरोवर है और दीवे तारे जाएंगे और नाल इस समारोह की समाप्ति हो जाएगी। यह इतिहासिक स्थल है, लोग दूरों दूरों हर साल बड़ी श्रद्धा और कामना के नाल महारानी को आते हैं, अपनिया कामनावां पूरियां करने वास्ते आशीर्वाद लेंदे ने और जिन्हों दी कामनावां पूरियां हो जांदियां वो इस जगह पर आके महारानी को दी अरदास करते हैं, उन्हां शुकराना अदा करते हैं और अपनी भेटा चढ़ाते हैं। बहुत बहुत दूरों लोग फॉरन तो भी आते हैं इस जगह के उत्ते, दिल्ली तो भी बहुत संगत आती है। लोग इस जगह के उत्ते हैगा कि जिहड़े भी जिन्हों के घर नहीं होंगे वो इस जगह के उत्ते अपने घरौंदे बनाते हैं, इट्टा घरों लिया के उस मिट्टी के घर इट्टा के घर बनाते हैं, दीवा जगा के जाते हैं, महाराणी अगर प्रार्थना करते हैं कि हे महाराणी साडा आते साल के इतने घर बन जाए। उन्होंने सुखना जो पूरी हो जाती है महाराणी का शुकराना अदा करते हैं। जिन्हें किसी बच्चे का किसी गल करके विवाह शादी नहीं होंगी वो तुलसी विवाह वाले दिन इतने कलीरा बंधते हैं, इतों महाराणी का प्रसाद लेंदे ने। 4 तरीक न जोड़ा कि इतने साढ़े उदन तुलसी विवाह होंगे ना, वो जो हवन यज्ञ होंगे वो परिक्रमा करते हैं और उस बच्चे दे मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण 3-4 जगह होया कि उन्होंने हफ्ते 10 दिन के विवाह शादी के योग खुल जाते हैं। तो सारे शहर वासियों ये प्रार्थना कि तुहाडे कुल देवी शहर की देवी आ जिहदे नाँ ते शहर बसिया दत्तेराज जलंधर के नाँ दे, क्योंकि दत्तेराज जलंधर की धर्मपत्नी श्री वृंदा जी सीगे। इस करके अपने शहर की देवी को नमस्कार करो, आके उन्हें आशीर्वाद दो। इस शहर के इस जगह के उत्ते तीर्थ है, यह सिद्ध वृंदा धाम यही जगह जिथे वृंदा जी है उही वृंदा धाम।